मुझे क्या कहना होगा। हाँ, नौजवानों के दरमियान नहीं, एक तवील गुफ्तगू के बाद ये ठीक नहीं है। एक मिनट सोचना पड़ेगा, क्या कहूं, कैसे जवान आप। वो तो जवान नहीं है, रहने दो आप। सेलीन जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। एक बात है, वैसे मुकर्रम उस्ताद थोड़े जवान हैं, उसे बाद में कोई मसला नहीं होगा। खैर मुझे इससे क्या, जाने देता हूं। वैसे भी उमर एक नाजुक मामला है, ये नहीं कहना चाहिए मुझे। हाँ, हमारी लड़की और आपका लड़का, मतलब थोड़ा बड़ा लड़का। नहीं नहीं समझ नहीं आ रहा। लैला साहिबा और मुकर्रम, माफी चाहती हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। काश ये वक्त यहीं थम जाए। तो अब क्या हम चलें दमीर? एक बात बताओ मुझे, क्या ये सब मुझे करना जरूरी है? दमीर चलते हैं। आप लोग ऑफिस से आ रहे होंगे ना, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को भूख लग रही होगी, तो इसीलिए अभी से खाना लगा दिया मैंने। बहुत अच्छा किया, भूख के मारे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, चक्कर आने लग गए थे। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया, हर चीज बहुत लजीज है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो बताएं कि ये काम क्या करते हैं? ये एक बहुत बड़ी कंपनी में कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिजाइन के मैनेजर की हैसियत से काम करते हैं। सैलरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। और घर गाड़ी? फिरोज, ये किस तरह के सवाल कर रही हो तुम? पता नहीं, अब कुछ ना कुछ तो सवाल करना ही होगा ना। कोई बात नहीं, आप पूछिए। मोहतरमा, मेरे पास गाड़ी भी है और घर भी, लेकिन लैला साहिबा का असल घर बस मेरा दिल होगा। कहीं ये बातें सुन के बेहोश ना हो जाऊं, कितने रोमांटिक हैं ये। हमारे मास्टर जी ऐसे ही हैं, इनके ऐसे खूबसूरत अल्फाज हम सबका दिल जीत लेते हैं। हाँ, अगर मेरे हाथ में होता तो फौरन हाँ कह देती। तो चले फिर, अब इंतजार किस बात का, जल्दी से कॉफी पी लेते हैं। कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगे आप लोग? आप क्यों सहमत करेंगी, बैठे मैं बना कर लाती हूँ। वैसे भी मुझे मालूम है कौन किस तरह की कॉफी पीता है। ये नहीं हो सकता यास्मीन, तुम लड़के वालों की तरफ से हो। तुम ही सोचो कि लड़के वाले लड़की वालों के घर कॉफी कब बनाते हैं। सही कह रही हो ना मैं? सही कहा, वैसे भी लड़के वालों के बहुत नखरे होते हैं। वो लैला आपके लिए कॉफी बना देगी। तुम क्या लैला की मदद कर दोगी? जी बिल्कुल। इजाजत चाहती हूँ करम। जी जी जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी आई। हाँ, तो बताएं आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है।